ये सब बच्चों को स्क्रीन विजिबल है, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हम इसके ऊपर आज बात करेंगे, सिट्रस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे आज। तो फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में पहला प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो ये बच्चों के आपको एक डेफिनेशन लिखनी चाहिए अपनी कॉपियों पर, वो ये है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ डिजीज एंड डिसऑर्डर। ठीक है, ये अक्सर हम पेपर में पूछ लेते हैं और बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चों को इसका पता होगा, डिजीज़ और डिसऑर्डर में क्या फ़र्क है। ठीक है जी, तो डिजीज़ जो है इट इज़ कॉज्ड बाय पैथोजन, इसकी आसान तरीन डेफिनेशन ये बनती है कि इट इज़ कॉज्ड बाय पैथोजन, ये पैथोजन से काज होती है। और पैथोजन की डेफिनेशन क्या है, डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिज्म, जो भी बीमारी फैलाता है ऑर्गेनिज्म वो पैथोजन कहलाएगा। ऑन द अदर हैंड द डिसऑर्डर, डिसऑर्डर इज़ नॉट कॉज्ड बाय एनी पैथोजन बट इट इज़ कॉज्ड बाय सम फिजियोलॉजिकल इश्यूज या सम एनवायरमेंटल फैक्टर्स या सम यूं कह लीजिए कि सम एबनॉर्मेलिटी इन द फंक्शन ऑफ द प्लांट विच इज़ नॉट कॉज्ड बाय पैथोजन। आसान अल्फाज में कि कोई भी एबनॉर्मेलिटी जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पैदा हो जाए और वो किसी पैथोजन की वजह से ना हो तो किसी और वजह से हो, ठीक है ना, उसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं, उसमें फिजियोलॉजिकल इंटरनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड डिसऑर्डर। और ये जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज़ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, दीज आर एक्चुअली डिसऑर्डर्स, हम डिसऑर्डर अभी डिस्कस करेंगे। अब इसमें सबसे पहला है अनफ्रूटफुलनेस, ये अक्सर बच्चे भी मेरे पास आते हैं, सिट्रस उन्होंने घर में लगाया होता है। अनफ्रूटफुलनेस मीन्स दैट द प्लांट विल बी अनएबल टू प्रोड्यूस अ कमर्शियल क्रॉप, यहाँ पर एक वर्ड लिखा है कमर्शियल क्रॉप। कमर्शियल क्रॉप का मतलब ये होता है कि घर में पौधा लगा हुआ है किन्नू का, उसके ऊपर किन्नू एक या दो लग जाते हैं लेकिन ज़्यादा किन्नू नहीं लगते, या कहीं किसी ने बाग लगाया है तो पौधा फल उठाता है लेकिन बहुत थोड़ा फल उठाता है, वो इतना थोड़ा होता है कि उससे आपको प्रॉफिट हासिल नहीं होता, आप उसे बेच के मुनाफा नहीं कमा सकते। तो अगर कोई मुनाफा बख्श क्रॉप ना हो तो हम कहते हैं कि यार ये कमर्शियल क्रॉप नहीं है हमारी, इससे हमें फ़ायदा नहीं हो रहा। ठीक है, तो बेटा ये काइंडली माइक्रोफोन ऑफ रखें अभी ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। अनफ्रूटफुलनेस जो है ये इशू बनता है, अक्सर बच्चे हमसे बात करते हैं आगे क्लास में भी या वैसे भी बात होती है तो वो कहते हैं सर हमने घर में पौधा लगाया हुआ है लेकिन वो पत्ते बहुत निकलते हैं लेकिन उसमें फूल नहीं निकाल रहा या फल नहीं उठा रहा। ठीक है, तो दिस इज़ अ डिसऑर्डर विच इज़ कॉल्ड अनफ्रूटफुलनेस। अब अनफ्रूटफुलनेस किस लिए होती है, दिस सिचुएशन में बी एट्रीब्यूटेड, या किस वजह से काज होती है, इसकी काजेज लिखी हुई हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है, कोई वराइटी ऐसी है जो फाली थोड़ा उठाती है या उसमें कोई कह लें कि जेनेटिक मेकअप में कोई चेंज आ गई या वो म्यूटेशन हो गई उसके अंदर जिसकी वजह से वो ये फल नहीं उठा रही। नंबर टू, फिजियोलॉजिकल काजेज हो सकती हैं, कोई इंटरनल उसकी बॉडी में कोई ख़राबी है जिसकी वजह से वो ये काम कर रहा है। उसने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हैं, इनकम्पैटिबिलिटी है कि जो पोलन ग्रेन्स, बेसिकली आपको पता है ना कि फूल से फल बनने के लिए पोलिनेशन होनी ज़रूरी है और पोलिनेशन के लिए किसी खास पोलन का ऊपर गिरना ज़रूरी है। अब आम के पौधे के ऊपर अगर गुलाब का पोलन गिर जाए तो हम कहेंगे पोलिनेशन होगी नहीं, बिकॉज गुलाब के पोलन जो है वो तो कोई और स्पीशी है, कोई और वैरायटी है, तो वो तो उसके साथ कंपैटिबल ही नहीं है, वो उसके साथ क्रॉस कर ही नहीं सकता। तो ये भी बात प्रॉब्लम होती है कि आपने जो घर में दरख्त लगाया है उसके लिए मेल प्लांट्स ही अवेलेबल नहीं है या उस पौधे के लिए जो आपने वैरायटी लगाई है वो आपस में क्रॉस ही नहीं कर पा रहे। नंबर टू, हेट्रोस्टाइली, ये भी एक डिसऑर्डर है, ये हम बाद में इसकी डेफिनेशन, मुझे याद कराना काइंडली, लिख लिया करो इस तरह की चीज़ें, हम इसकी डिटेल में बाद में डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। ये एक डिसऑर्डर है, इससे ओव्यूल एबॉर्शन, पौधे के पोलिनेशन हो जाती है लेकिन बाद में जो फूल झड़ जाता है, अक्सर बच्चे ऐसे कहते हैं सर फूल तो बड़े निकलते हैं सारे झड़ जाते हैं, तो वो ओव्यूल असल में अबॉर्ट कर जाता है। अब इसमें ये उसने मेजर रीजंस दिए, आगे फिजियोलॉजिकल कॉजेज, ये जितनी भी फिजियोलॉजिकल काजेज उसने लिखी हैं, कहता है ये किस वजह से हो सकती है, उसने कहा यह हार्मोन की वजह से हो सकती हैं कि पौधे में कोई हार्मोन ज़्यादा पैदा हो रहा है या कम पैदा हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है, किसी ना किसी इन्वायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से हो रहा होगा। और न्यूट्रिशनल इम्बैलेंसेस, या फिर उसको आप न्यूट्रिशन पूरी नहीं दे रहे पौधे को, आप उसको खाद प्रॉपर नहीं दे रहे, आप उसको पानी वगैरह प्रॉपर नहीं दे रहे, विच रिजल्ट्स इन जनरल वीकनेस, जिससे क्या होगा, अगर आप खाद सही नहीं तरीके से नहीं डालेंगे या तो वो पौधा कमज़ोर हो जाएगा अगर आपने कम खाद डाली, और एक्सेसिव वेजिटेटिव ग्रोथ, और
या फिर आपने कभी नाइट्रोजन को खाद ज्यादा डाल दी पौधे को, तो वो ज्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ शुरू कर दी, उसने झाड़ बहुत बना लिया। आपने कहा सर पौधा तो बहुत अच्छा है, घर में लगा, फूल नहीं उठा रहा। उसकी वजह यह है कि पौधे का मेजर फोकस ही इस वक्त पत्ते निकालने पर हुआ हुआ है, वो फ्लावरिंग की तरफ जाने नहीं चाह रहा। ठीक है, तो प्रिवेंटिंग द ट्रीज फ्रॉम ब्लूमिंग एंड बियरिंग फ्रूट, ये वही वाली बात कर रहा है। जनरल वीकनेसेस में भी रेमिडीड बाय एन अप्रोप्रिएट फर्टिलाइजर प्रोग्राम। आमतौर पे कहता है अगर पौधा आपका कमज़ोर हो तो आप उसको आसानी से कोई फर्टिलाइजर प्रोग्राम, फर्टिलाइजर की उसकी न्यूट्रिशन इम्प्रूव करके उसको बेहतर बेहतरी की तरफ ला सकते हैं। जबकि अगर आपने बहुत ज़्यादा खाद डाल दी और पौधा बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, तब क्या करना पड़ेगा? यू शुड देन हैव टू डू यू हैव टू एक्सपोज योर ट्री टू द ड्राउट स्ट्रेस। उसको कुछ स्ट्रेस देनी पड़ेगी ताकि वो पत्ते छत्ते झाड़े, या उसकी उसकी खाद बंद करनी पड़ेगी ताकि वो उसकी जरा थोड़ी सी ग्रोथ कम हो। जैसे अगर कोई शख्स बहुत मोटा हो जाए तो हम कहते हैं इसके डाइट पे कंट्रोल करो, ये बहुत मोटा हो रहा है। इस तरह प्लांट्स में भी ऐसे ही है। अगर कोई पौधा बहुत ज़्यादा पत्ते निकाल रहा है तो उसकी नाइट्रोजन की खाद बंद करें ताकि ये पत्तों की बजाय फ्लावरिंग की तरफ आए। अच्छा, दिस में भी अचीव, उसने कहा ये कैसे किया जाता है? बाय रूट प्रूनिंग। उसकी जड़ें काटी जाती हैं नीचे से हेल्दी पौधे की, ताकि उसको स्ट्रेस आए, और वो स्ट्रेस आने से क्या होता है कि वो पौधा जो है फिर फूल निकालना शुरू कर देता है। या फिर रिंगिंग ऑफ द मेन ब्रांचेस, उसकी जो शाखें होती है ना ऊपर, उसके ऊपर कट लगाए जाते हैं छुरी की मदद से या चाकू की मदद से, उसके इर्द गिर्द कट लगाए जाते हैं रिंग की शक्ल में। ठीक है, जख्मी जख्म दिए जाते हैं उसकी शाख को ताकि वो उसको स्ट्रेस आए और वो जल्दी जो है वो कह लें कि फूल निकाले। और इवन द मेन स्टेम, और बाज़ दफ़ा बड़े तने को, मेन स्टेम को भी जख्मी किया जाता है ताकि ये थोड़ा इसको स्ट्रेस आए और ये फूल निकाल ले। अच्छा, क्लाइमेटिक फैक्टर्स ऑल्सो फैक्टरी फिजियोलॉजी। बाज़ दफ़ा कहता है कि ये आपके इख्तियार में नहीं होता, या पौधे की कोई अपनी इंटरनल इशू नहीं है बल्कि क्लाइमेटिक फैक्टर की वजह से ऐसा हो रहा होता है। एग्जाम्पल उसने बड़ी अच्छी यहाँ पर दी है कि फॉर एग्जाम्पल वाशिंगटन नेवल, एक मौसम्बी की किस्म नेवल, और ये वाशिंगटन नेवल जो है ना, ये बेसिकली वाशिंगटन यूएसए से ये इम्पोर्ट हुई और ये बड़ी अच्छी उसकी मौसम्बी की किस्म है, लेकिन इट डज नॉट प्रोड्यूस फ्रूट इन फैसलाबाद। जब इसको इधर ला के लगाया गया तो फैसलाबाद में फल ही नहीं उठाती। ग्रोथ करती है सही, बिल्कुल ग्रो होती है, हर चीज़ होती है, लेकिन फल नहीं उठाती। फल की वो क्लाइमेट नहीं मिल रहा जिसमें उस... तो ये जनरल बातें इसमें मैंने हाईलाइट की, छोटी छोटी जो आपके आपसे पूछी जा सकती हैं अनफ्रूटफुलनेस में। इस तरह जेनेटिक और एवोल्यूशनरी काजेज ऑफ अनफ्रूटफुलनेस कैन बी इवेल्युएटेड बाय स्टडिंग प्रॉब्लम ट्रीज। कहता ये अगर आप आपको ये पता चल जाए कि इसकी असल प्रॉब्लम है क्या, कोई जेनेटिक इशू है या कोई कोई एवोल्यूशनरी इशू है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? यू मे टेक देन मेकिंग डिसीजन अबाउट प्लांटिंग पोलिनाइजर ट्रीज और चेंजिंग दी वराइटी। तो या तो आप वराइटी चेंज कर लें, या फिर आप उसके लिए सूटेबल पोलिनाइजर, पोलिनेशन करने के लिए मेल प्लांट ढूंढें जो उसके साथ क्रॉस कर सकता हो, तो फिर आपके जो घर में दरख्त लगा है उसकी फ्रूट आ जाएगा, उस पर फल आ जाएगा। ये एक इसमें अनफ्रूटफुलनेस क्लियर होगी। सेकेंड वन इज़ अल्टरनेट बेयरिंग। ये अक्सर आता है और ये बड़ा कॉमन इशू है। अल्टरनेट बेयरिंग इन फ्रूट ट्री इज़ दी हैबिट ऑफ बेयरिंग हैविली इन वन ईयर। इसमें होता क्या है कि एक साल पौधा जो है ना वो बहुत अच्छा फल उठाता है, बहुत ज़्यादा फल उठाता है, और बंदर की बंदा कहता है वाह जी वाह, इस बार तो मज़े ही हो गए जी, बड़ा अच्छा फल उठाया दरख्त ने। उस साल को कहते हैं ऑन ईयर। ठीक है, ये ऑन ईयर था, लेकिन अगले साल उसको इतनी कमज़ोरी हो जाती है कि एंड वेरी लिटल और नॉट एट ऑल इन द सेकंड ईयर, और दूसरे साल में वो या तो बिल्कुल ही फल नहीं उठाएगा, या उठाएगा भी तो बहुत थोड़ा उठाएगा, एंड दिस इज़ कॉल्ड ऑफ ईयर। ये मैंगो में भी होता है, आम में भी, और ये सिट्रस में भी कुछ जीनोटाइप्स हैं जिसमें ये इशू आता है कि अगर एक साल फल बहुत ज़्यादा आ जाए तो किसान तो देख कर या आम शख्स तो देख कर खुश हो रहा होता है, लेकिन ये नहीं पता होता कि अगले साल इसका इम्पैक्ट आप पर आएगा। अब इतना ज्यादा भारी लोड उठाने पर, और वो अगले साल फल नहीं उठाएगा। तो दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इज मैनिफेस्टेड बाय सेवरल सिट्रस कल्टीवार्स। और ये किन किन में होता है ये मैंने हाईलाइट किया। ये कल्टीवार्स हैं, किन्नू में बहुत ज़्यादा है, वाइकिंग विल्किंग में है, स्वीट ऑरेंजेस में है, वैलेंशिया लेट, वाशिंगटन नेवल, मौसम्बी, मार्च सीडलेट, ग्रेप फ्रूट, इन सब में ये इश्यूज़ पाए जाते हैं, इनमें ये आते हैं। तो ये आपने नाम इसके याद रखने हैं। अच्छा, सो फॉर देर इज़ नो स्पेसिफिक टेक्निक टू ओवरकम अल्टरनेट बीरिंग इन सिट्रस। एज सच कोई हार्ड रूल्स नहीं है कि इसको ख़त्म कैसे करें इस प्रॉब्लम को, लेकिन इसमें एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, मैनी एक्सपर्ट्स एग्री डैट इट इज़ ड्यू टू न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस इन द अफेक्टेड ट्री। बहुत सारे लोग ये ख्याल करते हैं और ये समझते हैं कि ये जब आप खाद के अंदर कहीं आगे पीछे करते हैं ना, खाद डालने में ज्यादा कर देते हैं
ये कमी करते हैं, उसकी वजह से ये इम्बैलेंसमेंट होती है और वो अनबैलेंस हो जाता है फ्रूट। तो इस वो मुझे एक बड़ी अच्छी बात यहाँ पे याद आ गई, वो जब अक्सर वो हम भी जब कह लें कि स्टूडेंट लाइफ में थे, लाइफ में थे, तो जिम वगैरह कभी जाना और शौक में पहले दिन जाके बड़ी एक्सरसाइज कर लेनी, अगले दिन जनाब बाजू भी नहीं उठ रही होनी, ठीक है ना, या किसी दिन सैर का जुनून चढ़ा तो बड़ी सैर कर ली, एक दिन अगले दिन जनाब टांगों में कलियाँ पड़ गई और हमसे चला भी नहीं जा रहा। दैट इज सेम फिनोमिना इन प्लांट्स, प्लांट्स में भी ऐसे ही है कि पौधा अगर एक एक सीजन में बहुत ज़्यादा फल उठा लेगा ना, तो उसकी वीकनेस उस पर आएगी, वो अगले साल फिर उसको उठा ही नहीं पाएगा, फिर उससे अगले साल फिर वही काम करेगा, वो फिर एक उसकी रूटीन बन जाती है, एक साल फल उठाता है अगले साल नहीं उठाता। अच्छा, उसने कहा इसको ख़त्म कैसे करना है, स्ट्रैटेजीज टू ओवरकम अल्टरनेट बेयरिंग एम्स एट इम्प्रूविंग द ट्री न्यूट्रिशनल स्टेटस, इसका न्यूट्रिशनल स्टेटस इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। उसमें दो चीज़ें होती हैं जो आपने इम्प्रूव करनी होती है, नंबर वन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कौन सा दे रहे हैं और इनऑर्गेनिक खाद कितनी डाल रहे हैं, और इसको उसने बड़े आसान अल्फाज में बताया कि इन अदर वर्ड्स इंप्रूविंग द CN रेशियो। अब CN रेशियो यहाँ पर लिखी नहीं हुई, लेकिन मैं कुछ बातें यहाँ पे कर रहा हूँ, इसको ध्यान से सुन लेना और मैं कोशिश करूँगा इसके ऊपर एक छोटी सी इसके अंदर एक पिक्चर लगा दूँ। CN रेशियो इज स्टैंड्स फॉर कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट टू नाइट्रोजन रेशियो, दोनों चीज़ें ठीक है, कार्बोहाइड्रेट टू नाइट्रोजन रेशियो भी कह सकते हैं, कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो भी कह सकते हैं। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होता है, ये आमतौर पे जो सी और एन है ये दोनों डिफरेंट चीज़ों के लिए कह लें कि ज़रूरी हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं किसी पौधे में, कि वो जो फूड उसने पत्तों से बनाई हुई है, उसके अंदर स्टोर है, उसके पास ज़खीरा है खुराक का, डैट इज़ कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, ये उसको फ्लावरिंग में बूस्ट करने में हेल्प करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा फूल निकाल सकता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा फल बना सकता है वगैरह वगैरह, एनर्जी बहुत है यूँ कह लें, ठीक है। नाइट्रोजन क्या चीज़ है, नाइट्रोजन आपको पता है खाद है, और ये नाइट्रोजन वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, पत्ते छत्ते निकालने के लिए ज़रूरी है। अगर नाइट्रोजन ज़्यादा हो जाए किसी पौधे में, अब ये मैं बात जो बता रहा हूँ इसको गौर से सुन लेना, अगर किसी पौधे में नाइट्रोजन ज़्यादा हो जाए, कार्बोहाइड्रेट कम हो जाए, तो वो पौधा पत्ते ही निकालता रहेगा, वो फूल निकालेगा ही नहीं, उसके पास एनर्जी नहीं है फूल निकालने की, ठीक है। और अगले साल जब वो एक साल तो उसने बहुत पत्ते निकाल लिए ना, अब जब पत्ते ज़्यादा निकाल लिए तो पत्ते खुराक बनाएंगे, अगले साल उसके पास कार्बोहाइड्रेट बढ़ जाएगी, नाइट्रोजन कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसी तरह अगर किसी पौधे के पास कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो जाए, नाइट्रोजन कम हो जाए, तो क्या होता है, जो कि आपके घरों में भी अक्सर ये काम होता है कि आप उसको खाद इतनी डालते कोई नहीं है, वो जो है ना खुराक बनाता रहता है ऊपर से पौधों वगैरह से, तो वो कार्बोहाइड्रेट बढ़ जाती है पौधे के अंदर, और होता क्या है कि वो फूल तो बहुत निकालता है, जब आप वो फ्लावरिंग होती है तो आप देखते हैं कि दरख्त फूलों से भर गया है, लेकिन वो इतने सारे फूलों को पाल नहीं सकता, वो इतने सारे फूलों को खुराक नहीं प्रोवाइड कर सकता, बिकॉज द ट्री डजंट हैव नाइट्रोजन रिसोर्सेज, उसके पास वो पत्ते नहीं हैं, उसके पास वो रिसोर्सेज नहीं है जिसकी मदद से उसने इसको बैलेंस करना था। तो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन सी एंड एन, और ये कितना होना चाहिए, ये डिफरेंट क्रॉप्स में डिफरेंट है, आमतौर पर सिट्रस में 40:1 या 20:1 इस तरह डिफरेंट रेशियोज चलती हैं, लेकिन ये अभी क्योंकि हम इतनी एडवांस लेवल पर नहीं जा रहे, तो जनरल सिर्फ बात समझने के लिए कि सी एन रेशो ये आप जब भी हॉर्टिकल्चर में या किसी भी क्रॉप में देखेंगे ये बड़ी इस्तेमाल होती है, सी एन रेशो क्या है, सी एन रेशो क्या है, तो आपको मेरे ख्याल में इसका जवाब यहाँ पर मिल गया होगा। अच्छा, तो उसके पास देखा इसमें जो ये अब उसकी ये मैयर उसने दी है किस तरीके से आपने इसको ख़त्म करना है, अगर आपके घर में या कहीं बाग में पौधा लगा है तो कैसे उसको आपने ख़त्म करना है। सम मैयर सजेस्टेड टू ओवरकम अल्टरनेट बेयरिंग आर हैवी मैन्योरिंग ड्यूरिंग ऑफ ईयर्स, कहता जब ऑफ ईयर हो, जब पौधा फल ना उठा रहा हो, उस वक्त उसको गोबर की खाद डालें, उसको फार्म यार्ड मैन्योर डालें ताकि उसमें कार्बोहाइड्रेट बढ़ें, गोबर की खाद या ऑर्गेनिक में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं, जबकि जो नॉर्मल हमारी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है उसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होती है। तो हैवी मैन्योरिंग करें ऑफ ईयर में, कार्बोहाइड्रेट बढ़ाएं ऑफ ईयर में ताकि वो फूल छूल निकाले, मकसद समझ लागी ना। इस तरह थिनिंग ऑफ ड्यूरिंग दी ऑन ईयर, जब ऑन ईयर हो, जब बहुत ज़्यादा फल उठा रहा हो तो उस वक्त फल को झाड़ दें, यहाँ पर थिनिंग ऑफ लिखा है, ये थिनिंग ऑफ में बल्कि मैं तो कहूँगा इस तरह करके शायद यहाँ पर लिखना बेहतर है, थिनिंग ऑफ फ्रूट्स ड्यूरिंग दी ऑन ईयर, जब बहुत ज़्यादा फल उठा ले अगर ऑन ईयर में तो सोटी की मदद से या कैंची की मदद से उसके फल को गिरा दें ताकि वो ज़्यादा लोड उस पर ना पड़े, और उसको कहें नहीं, उसको कहें इतना ज़्यादा तुमने कदम नहीं उठाना, अपनी एनर्जी बचा के रखो, अगले साल आपने फिर फ्रूट उठाना है, ठीक है ना। तो ये ऑन ईयर के लिए प्रैक्टिस है। उसके बाद फिर डिलेड हार्वेस्ट ड्यूरिंग दी ऑफ ईयर, ऑफ ईयर में पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें कि वो अपने फलों में रस भर सके और अपने फलों को मैच्योर कर सके, जबकि अर्ली हार्वेस्टिंग इन ऑन ईयर, ऑन ईयर में जितनी जल्दी हो सकता है फल उतार लें ताकि वो ज़्यादा उसमें रस ना भर सके, ज़्यादा एनर्जी उसमें ना डाल सके।
तो बेसिकली ऑल दीज एक्टिविटीज़ जो भी यहाँ पे लिखी हुई हैं ये इसलिए की जाती हैं कि ऑन ईयर में उसको पकड़ के रखें, ऑफ ईयर में उसको खुला छोड़ दें ताकि एक बैलेंस हो सके इन दोनों चीज़ों में। तो इस तरीके से कुछ हद तक अल्टरनेट बीयरिंग पे काबू पाया जा सकता है। उसके बाद आ गया फ्रूट ड्रॉप। फ्रूट ड्रॉप क्या है कि फल का गिरना, और फल का गिरना भी बहुत बड़ी सीरियस इशू है इसमें, सिट्रस में होती है। और ये फ्रूट ड्रॉप जो है ना, ये आमतौर पे ड्रॉप स्टार्ट्स फ्रॉम ब्लूमिंग, ये फूल फूल निकलते स्टार्ट ही स्टार्ट हो जाती है और कंटिन्यूज अंटिल हार्वेस्टिंग, और हार्वेस्टिंग तक जारी रहती है। लेकिन उसने कहा कि वी कैन कैटेगराइज दिस ड्रॉप एज, इसके तीन हिस्से बना सकते हैं। और ये पेपर का बड़ा अहम सवाल होता है अक्सर, जब हम कागज़ पे पेपर लेते थे फिर तो ये लाजमी सवाल आता होता था कि फ्रूट ड्रॉप कौन कौन से हैं, उनकी टाइप्स लिखें। तो पहला है जी इसमें फ्लावर ड्रॉप, फूल का गिर जाना। फिर है जून ड्रॉप, जून के महीने में जो गिरता है। फिर है प्री हार्वेस्ट ड्रॉप, जो हार्वेस्टिंग से थोड़ी देर पहले गिरता है, एक महीना या डेढ़ महीने के दौरान जो गिर जाता है हार्वेस्टिंग से पहले। अच्छा, अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं। फ्लावर ड्रॉप, सिट्रस कल्टीवार्स ब्लूम हैविली। वो कहता है ये जो दरख्त होते हैं ना किन्नू के, बहुत फूल उठाते हैं, ये मैंगो में भी ऐसे ही है, बहुत फूल उठाते हैं। एन एवरेज ट्री, उसने कहा अंदाजे के मुताबिक एक आम दरख्त जो पाइनएप्पल स्वीट ऑरेंज का है, मौसम्बी का, एन पाइनएप्पल स्वीट ऑरेंज इन फैसलाबाद बियर्स अराउंड 50,000 फ्लावर्स। एक आम दरख्त आम तौर पर 50,000 फूल उठा लेता है, 50,000 फूल निकालता है। अब अगर वो 50,000 फूल एक दरख्त पर पक जाए तो ये तो इतना ज़्यादा फल है कि मैं कहता हूँ पूरे बाग का भी इतना नहीं होगा, ठीक है ना। तो वो कहता है इट इज़ एविडेंट दैट नॉट ऑल ऑफ द मैच्योर टू फ्रूट, लेकिन ये एक इम्पॉसिबल है एक दरख्त के लिए कि वो इन तमाम फूलों को पके। इसीलिए कॉमनली 95% विल ड्रॉप, ये नॉर्मल है दरख्तों में कि 95% फूल गिर जाते हैं, सिर्फ 5% बचते हैं, ठीक है। वो 5% भी अच्छे खासे हैं, अगर आप इसका 5% निकालें वो अच्छा खासा है। तो खैर, वो कहता है कॉमनली 95% विल ड्रॉप एंड द रेस्ट विल सेट फ्रूट, सिर्फ 5% से फ्रूट सेट होगा। बट द वीक ट्रीज डेफिशिएंट इन वेरियस न्यूट्रिएंट्स, लेकिन जो कमज़ोर दरख्त होते हैं उसमें ये ड्रॉप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो 99% तक फूल झाड़ देते हैं। तो वहाँ पर आकर कुछ आपको टेंशन लेने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा फ्रूट है, 550-600 फूल अभी भी दरख्त के ऊपर खड़ा है, जो अगर पक जाए तो आपके दरख्त की यील्ड से कहीं ज़्यादा है, 550-600 फूल 99% फ्लावर ड्रॉप होने के बाद भी। लेकिन वो कहता है कि ये आमतौर पे वीक ट्रीज़ की निशानी है कि अगर वो ज़्यादा फूल झाड़ रहा है, ठीक है। अच्छा, क्यों होता है? उसने कहा ये इसलिए होता है कि नंबर वन तो म्यूचुअल कॉम्पिटिशन, फूलों का आपस में कॉम्पिटिशन है, वो एक दूसरे की खुराक लेने की कोशिश करेंगे, वो एक दूसरे लड़ाई करेंगे, नतीजे के तौर पर कुछ फूल जो वीक होंगे वो झड़ जाएंगे। और सेकेंडली डिफेक्टिव डिवेलपमेंट सेक्सुअल पार्ट्स एंड द रिजल्ट ऑफ इनएबिलिटी टू सेट फ्रूट, आपस में कोई उनमें डिफेक्ट पैदा किसी तरह से, कोई वैसे कमजोर है पौधा तो वो फूल उसके झड़ जाएंगे, ठीक है ना। सच ड्रॉप इज रिलेटिवली लेस इन हेल्दी एंड लीफी ट्रीज। आमतौर पर फ्रूट फ्लावर ड्रॉप जो होता है ना, जितना दरख्त हेल्दी होगा, जितने उसके पत्ते अच्छे होंगे, उतना उसका फ्लावर या उसका फूल कम गिरेगा। अच्छा, अब यहाँ पर उसने कुछ चीज़ें बताई हैं। वेदर कंडीशंस लाइक हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, ये गर्म और खुश्क जो मौसम है लू वाला, ड्यूरिंग द ब्लूमिंग फूल निकलते वक्त, और हैवी रेन अकॉम्पनीड बाय विंड स्टॉर्म, या फिर बारिश आ जाती है और उसके साथ आंधी तूफान भी है, तो ये सारी चीज़ें फूल झाड़ने में बड़ा रोल प्ले करती हैं, इनसे फूल गिर जाते हैं। फ्लावर ड्रॉप यहाँ पर क्लियर हो गया सबको। उसके बाद जून ड्रॉप आ गया। जून ड्रॉप को यंग फ्रूट ड्रॉप भी कहते हैं। यंग जून ड्रॉप इज ड्रॉप ऑफ यंग फ्रूट अकर इन मई जून, ये गर्मियों के महीनों में होता है, मई जून के अंदर इस वक्त जो ये सीजन चल रहा है। दिस इज अनदर नेचुरल लोड शेडिंग बाय द ट्री, ये भी नेचुरल लोड शेडिंग है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि यार ये मेरे सर घर में पौधा लगा है उसके फ्रूट या गिर जाते हैं, तो ये कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, ये नॉर्मल है। दिस ड्रॉप कंसिस्ट ऑफ, ये आमतौर पर जो फूल इसमें सॉरी ये फ्रूट गिरता है ना, वो पुअरली डिवेल्प्ड होता है, वो कोई कमजोर रह गया फल, वो प्रॉपरली बन नहीं पाया, तो वो यहाँ पर। और दोज विच कैन नॉट सर्वाइव ड्राई कंडीशन, वो फूल जो या वो फल जो बर्दाश्त ना कर सके एनवायरमेंट, वो भी गिर जाती है। एम्ब्रियो अबॉर्शन अकर, इस तरह के फूलों में एम्ब्रियो अबॉर्शन हो जाती है, विच स्टॉप्स सीड डेवलपमेंट एंड सिंथेसिस ऑफ हॉर्मोन अल्टीमेटली कॉजेस फ्रूट ड्रॉप। बेटा कोई सवाल है तो पूछ लें, अदरवाइज ये काइंडली माइक्रोफोन अपना बंद रखें, ठीक है। तो इसमें बेटा ये उसने कहा कि ये जनरल होता है। अच्छा, इसमें होता क्या है, यहाँ पर एक मैं और बात आपको इंटरेस्टिंग बताऊँ कि
जो प्लांट्स होते हैं ना, जितने भी फ्रूट प्लांट्स हैं, इसमें जो अल्लाह ताला ने बीज अंदर रखा है, ये सीड जो होता है, ये सीड इज द सीड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ सेवरल ग्रोथ हार्मोन्स फॉर ड्यू टू विच द फ्रूट विल राइप. देखा ये गया कि अगर हमने कुछ सीडलेस वराइटीज़ बनाई, हमने देखा ये कि अगर सीडलेस वराइटीज़ किसी पौधे के अंदर से सीड निकाल लिया जाए पौधा बनते वक्त, तो वो हिस्सा जिस जगह पर सीड मर जाए या वहाँ से सीड निकाल लिया जाए, तो वो हिस्सा सीड फ्रूट का पकता ही नहीं है. ये जो अल्लाह ताला ने उसमें बीज रखे हुए हैं ना फल के अंदर, ये एक्चुअली ऐसे हार्मोन्स रिलीज करते हैं कि वो फल को पकाने में मदद करते हैं. तो यहाँ पर वही कह रहा है कि जब ये गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है ना, तो अंदर से एम्ब्रियो मर जाता है. जब एम्ब्रियो मर जाता है तो फिर क्या होता है, एम्ब्रियो अबॉर्शन की वजह से सीड डेवलपमेंट रुक जाएगी, बीज नहीं बनेगा, और जब बीज नहीं बनेगा तो सिंथेसिस ऑफ हार्मोन जो है वो रुक जाएगी, और सिंथेसिस ऑफ हार्मोन रुकी तो समझे पौधा वहीं पर फ्रूट जो है वो वहाँ से गिर जाएगा. तो यहाँ पर कहता है यंग फ्रूट ड्रॉप इज क्वाइट सिग्निफिकेंट, ये भी काफ़ी होता है. अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ देखें, 96% ऑफ द सेट फ्रूट इन पाइन एप्पल स्वीट ऑरेंजेस ड्रॉप. अब वो जो 5% ऊपर हम पढ़ के आए थे ना कि 50,000 फूलों में से 95% गिर जाते हैं, सिर्फ 5% रहते हैं, उन 5% फूलों में से भी 96% गिर जाते हैं, ये नॉर्मल है पाइन एप्पल स्वीट ऑरेंज में, और रिमेनिंग जितने भी रह जाते हैं 4% सिर्फ वो जो है वो आगे फल की शक्ल में पौधे के ऊपर आएंगे, जबकि किन्नू के अंदर 75% जो यंग फ्रूट्स होते हैं वो गिर जाते हैं, नॉर्मल है किन्नू के ऊपर. आखिरी है या ड्रॉप, और ये सबसे खतरनाक है, किसान को सबसे नुकसान इस वाले ड्रॉप का होता है, और इसी को हम बचाने की कोशिश करते हैं जब भी हो. इट्स ड्यूरिंग द मेच्योर स्टेज एंड इज ऑफ ग्रेट कंसर्न टू द ग्रोअर्स, इसमें बहुत ज्यादा हमें कंसर्न. इट इज अ लॉस ऑफ फुल ग्रोन फ्रूट एंड देयरफॉर अ लॉट ऑफ रिसर्च हैज बीन कंडक्टेड टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम. इसमें सारी मेहनत हमारी जायगा जाती है, क्योंकि हमने इतनी मेहनत की होती है, खाद डाली है, पानी लिया है, फ्रूट माशाल्लाह बढ़ता जा रहा है, हम डेली आकर देखते हैं जी फ्रूट बढ़ रहा है, फ्रूट बढ़ रहा है, और एक दिन आते हैं देखते हैं वो फ्रूट जो बढ़ रहा था वो जमीन पर गिर गया, तो सारी मेहनत वहाँ पर जाया होगी, वो फ्रूट पका भी नहीं है अभी. और सिट्रस जो है ये नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स में आता है, ये दरख्त से अगर उतार लिया जाए तो ये पकता नहीं है, ठीक है ना, तो इसमें ज़्यादा नुकसान इसलिए होता है. अच्छा, दी ड्रॉप अकर वैन द प्री मेच्योर एफसीएन लेयर डेवलप, ये आमतौर पे उस वक्त होता है जब कोई एफसीएन लेयर डेवलप हो जाए, अभी फल पका नहीं है, मेच्योर नहीं हुआ, उससे पहले एफसीएन लेयर बन गई है. और ये क्यों होता है, उसने यहाँ पे कहा ये इसलिए होता है ड्यू टू फेलियर ऑफ ऑक्सीजन सिंथेसिस विद इन द ट्री, पौधे में ऑक्सीजन की किसी स्ट्रेस की वजह से पौधे के अंदर आपने उसको खाद पानी देते वक्त या कोई और स्ट्रेस उसको आया, गर्मी ज़्यादा लगी वगैरह वगैरह, तो वो उसमें ऑक्सीजन हार्मोन की रेशो कम हो जाएगी जिस्म में पौधे के, तो नतीजे के तौर पर उसके फल जो है वो गिरना शुरू हो जाएंगे. इसको बचाने का तरीका क्या है कि बाकायदा हम पौधे के ऊपर स्प्रे करते हैं ग्रोथ हार्मोन्स, कौन से, ये उनके नाम है, ये मैंने लिख दिए, ये देख लें, GA3 है जिब्रेलिक एसिड, 2,4-D है, ठीक है, एसिटिक एसिड ये ऑक्सीजन की टाइप है 2,4-D, इस तरह ही नेफ्थलीन एसिटिक एसिड है, ये है, इस तरह 2,4-5 ट्राई फिनॉक्सी एसिटिक एसिड ये है, ये आपने नाम याद कर लेने, ठीक हो गया, 2,4-D एंड 2,4-5-T एंड NA, चार हार्मोनों के नाम दिए हुए हैं, ये चार हार्मोन स्प्रे किए जाते हैं. देखा ये गया कि इनमें से कोई एक हार्मोन अगर स्प्रे किया जाए तो उससे जो आपका फ्रूट ड्रॉप कम. अच्छा जी, उसके बाद आखिरी जो बीमारी है इसमें, यह डिसऑर्डर, सॉरी डिसऑर्डर है, बीमारी नहीं है, डिसऑर्डर में दिस इज कॉल्ड ग्रैनुलेशन. ग्रैनुलेशन क्या है, ये अक्सर होता है, आप देखते हैं कि जब आप मौसमी बाजार से लाते हैं या आप बाजार से बड़ा देखकर शौक से लाते हैं मौसमी, जब ला खोलते हैं तो देखते हैं अंदर से वो खुश निकलती है, सूखी हुई है, दिस इज कॉल्ड ग्रैनुलेशन, इसको ग्रैनुलेशन बोलते हैं. दिस कंडीशन इज करेक्टराइज्ड बाय इनलार्ज्ड, इसका फ्रूट जो होता है वो काफ़ी मोटा हो जाएगा, हार्डन्ड, उसकी जो सख्त हो जाएगा वो वाली हिस्सा जिस जगह पे वो जूस निकल गया, एंड अपेरेंटली ड्राई जूस वेजिकल, और अंदर से जो जूस वेजिकल है खुश्क हो जाएंगे, वो खाने में मज़ेदार नहीं होगा. इट मे अफेक्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द फ्रूट, इसमें आमतौर पर सारे का सारा फ्रूट इफेक्ट हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये अफेक्ट होता है स्टेम एंड. स्टेम एंड कौन सा हिस्सा है, वो जहाँ पे डंडी लगी होती है ना, मौसम्बी की जहाँ पे डंडी लगी होती है, सबसे ज़्यादा ड्राई हिस्सा वो वाला हो सकता है, सबसे पहले वो हिस्सा ड्राई होगा, उसके बाद वहाँ से बढ़ता बढ़ता वो 1/3 मौसम्बी एक तहाई तक भी खुश्क हो सकती है, 1/2 आधी मौसम्बी भी खुश्क हो सकती है, और इवन एक्सट्रीम केसेस अ होल फ्रूट में भी ग्रैनुलेटेड, पूरे का पूरा फ्रूट भी खुश्क हो सकता है. एग्जाम्पल उसने दी है पोमिलो की, वो यहाँ से आपने लिख लेनी है. सच फ्रूट्स डू नॉट शो एनी एक्सटर्नल साइन, कहता बाहर से देखने पर कोई पता नहीं चलता कि ये अंदर से खुश्क है कि इसमें रस भरा हुआ, बट ये देखा ये गया है कि बट एक्सेसिवली अफेक्टेड फ्रूट्स आर हैवियर,
वो कहता है लेकिन देखा ये गया है कि ये आमतौर पे जो बड़े मोटे फ्रूट्स होते हैं ना, जो देखने में बड़े सेहतमंद लग रहे होते हैं, और आप बाजार जाते वक्त तो उनको सबसे पहले हाथ डालते हैं कि यार ये वाला बड़े वाला फ्रूट है, इसको मैं उठा लूँ, उनमें सबसे ज़्यादा ग्रैनुलेशन होती है। तो इसमें होता क्या है, उसकी ये सिम्टम्स दी हुई हैं, सेल वॉल ऑफ ग्रैनुलेटेड वेजिकल्स आर थिकंड, इसमें जो वेजिकल्स होंगे वो मोटे हो जाएंगे, शुगर कॉन्टेंट्स डिक्रीज हो जाएंगे, मिठास बिल्कुल खत्म हो जाएगी, एंड मिनरल कॉन्टेंट इज़ हायर, खटास ज़्यादा हो जाएगी, नमकियात ज़्यादा हो जाएंगे दैन नॉर्मल, बट वाटर कॉन्टेंट रिमेन्स एट नॉर्मल लेवल, पानी उतना ही रहेगा, जूस कोई नहीं इतना खट्टे हो जाएंगे, एक तो नंबर वन, नंबर टू ये कि वो सूख भी जाएंगे, ठीक है ना, मोटे हो जाएगी जूस वेजिकल, खाने में मज़ेदार नहीं रहेंगे, ठीक हो गया। द काज ऑफ ग्रेनुलेशन ऑल्सो, अच्छा ग्रेनुलेशन का एक और नाम भी है विच इज़ कॉल्ड रिसीनेस। तो बाद में पेपर में सवाल आ जाता है बट डू यू नो अबाउट रिसीनेस, तो वो बच्चा कहता सर ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं, एक्चुअली इट इज़ द सेम एज ग्रेनुलेशन, वही चीज़ है, जस्ट नाम दो हैं उस चीज़ के, इट इज़ नॉट वेल अंडरस्टूड, इसके बारे में एग्जैक्ट नहीं पता कि ये क्यों होती है, लेकिन ये देखा गया है, हाउ एवर लार्ज फ्रूट्स हैव मोर ग्रेनुलेशन, के मोटे फ्रूट्स में बड़े फ्रूट्स में ज़्यादा ग्रेनुलेशन होती है स्मॉलर वंस की नस्बत, छोटे फ्रूटों की नस्बत, एंड ग्रेनुलेशन इंक्रीजेज इफ हार्वेस्टिंग इज डिलेड, अगर वो जो फार्मर है वो लालच करे फल को उतारे ना ऑर्चर्ड में से, लगा रहने दे के चल यार 2 महीने और सही या 1 महीना और सही मेरी बिक्री हो रही है, तो क्या होता है कि वो फ्रूट्स जो होते हैं वो अंदर से ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर फ्रीक्वेंट इरीगेशन, आप पानी बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं, या वाटर स्टैंडिंग इन द रूट जोन, जो आप पानी लगाते हैं वो ज़मीन में खड़ा रहता है, आपकी ज़मीन का इनकास ठीक नहीं है, तो इसकी वजह से भी ग्रेनुलेशन बढ़ जाती है। ये उसकी रीजंस दी हुई हैं ग्रेनुलेशन क्यों होती है, आपसे पेपर में ऐसे पूछा जा सकता है, काजेज ऑफ ग्रेनुलेशन क्या है, वो आप ये लिखेंगे कि क्यों ग्रेनुलेशन की काजेज क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्रेनुलेशन होती क्या है, इसकी सिम्टम्स क्या है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसकी सिम्टम्स लिखी हुई हैं। तो ये काइंडली इसको ध्यान से पढ़ लेना, इसमें ऐसे चीज़ें बड़ी छुपी होती हैं, इनको देखना पड़ता है। इसको हल कैसे करना है, उसने कहा हल करने का तरीका ये है कि नंबर वन स्पॉट पिकिंग, खेत में जाएं, दरख्त के ऊपर देखें फ्रूट्स को, एक्स्ट्रा लार्ज फ्रूट्स जो अपने उम्र से बड़े लग रहे हैं, साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े हैं और पहले बहुत जल्दी फूल गए हैं, उनको आप वहाँ से उतार लें, ये ग्रैनुलेटेड फ्रूट्स हैं। नंबर टू रिड्यूस्ड इरीगेशन, पानी कम से कम लगाएं, उसकी फ्रीक्वेंसी कम करें। नंबर थ्री स्प्रेइंग ऑफ 2,4-D, ये ऑक्सीजन की फिर इस एक स्प्रे आ गया, जैसे ऊपर हमने पढ़ के आए थे अभी यहाँ पर 2,4-D, तो यहाँ पर भी 2,4-D का स्प्रे करें, ये सजेस्टेड है। अच्छा कौन से कल्टीवार था जिसमें सबसे ज़्यादा ये ग्रेनुलेशन होती है, उसने कहा मोसम्बी में सबसे ज़्यादा होती है, वैलेंशिया लेट, वाशिंगटन नेवल, ये मोसम्बी की किस्म ही है वाशिंगटन नेवल भी, पोमिलो, फ्रूटर अली, फ्रूटर में भी होती है, ठीक हो गया। तो ये नाम भी आपने याद करने के, ग्रेनुलेशन किस किस में होती है। तो यहाँ तक हमारे ये डिसऑर्डर्स जो थे ये कंप्लीट हो गए, ये टोटल हमारे पास 4 डिसऑर्डर बनते हैं, अनफ्रूटफुलनेस, अल्टरनेट बियरिंग, फ्रूट ड्रॉप, एंड देन वी हैव ग्रेनुलेशन। उसके बाद हमारे पास एक या दो बीमारियाँ भी हैं, दो नहीं है, 4 ही हैं मेरे ख्याल में शायद, तो ये मैं जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। दीज आर डिजीजेज एंड इंसेक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक डेफिनेशन बच्चों वो लिख लो, वो ये कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंसेक्ट एंड पेस्ट, ठीक है, ये अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है, इंसेक्ट्स वर्सेस पेस्ट, इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो इंसेक्ट क्या होता है, इंसेक्ट इट्स एन लिविंग ऑर्गेनिज्म विच हैव 3 मेजर बॉडी पार्ट्स, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन, आपको एंटोमोलॉजी वाले ने पढ़ाई होगी डेफिनेशन, एंड से 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो जिनके बॉडी के 3 हिस्से होते हैं, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन, और हर हिस्से के ऊपर एक पेयर ऑफ लेग, मतलब टोटल 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, 6 टांगे होती हैं, किसी भी इंसेक्ट की 6 लेग्स होंगी, ठीक है। उसके बाद पेस्ट क्या होता है, पेस्ट इज एनी ऑर्गेनिज्म विच इज हार्मफुल या विच इज काजिंग, कह लें कि क्या कह सकता हूँ मैं इसको, आपको नुकसान पहुँचाने वाले, ठीक है, विच इज़ डेंजरस फॉर योर क्रॉप, विच काजेस हम, मेरे अब जहन में उस तरह का लफ्ज़ नहीं आ रहा, बहरहाल पेस्ट समझ गए इस बात को, जो भी नुकसान पहुँचाए, अब पेस्ट में इंसेक्ट भी हो सकता है नुकसान पहुँचाने के लिए, तो एनी डिस्ट्रक्टिव ओरिजन का जो ऑर्गेनिज्म है, जो भी डिस्ट्रॉय करता है, जो भी आपको हार्म पहुँचाता है, हार्मफुल इंसेक्ट जो है वो पेस्ट कहलाता है। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि ये इंसेक्ट ही पेस्ट हो, बाद दफ़ा इंसान भी पेस्ट के तौर पर आ सकता है, क्लास में एक बच्चा आ जाता है जो शोर मचा रहा है, वो एक पेस्ट बन जाएगा क्लास का, ठीक है ना। तो पेस्ट एक जनरल डेफिनेशन है, पेस्ट का मतलब है एनी थिंग विच इज़ काजिंग डिस्टर्बेंस, जो डिस्टर्बेंस काज कर रही है, जो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, दैट इज़ कॉल्ड पेस्ट। लेकिन हम जब हम एग्रीकल्चर में पढ़ रहे हैं तो हम आप अक्सर सुनेंगे लिखते हैं डिजीजेज एंड इंसेक्ट पेस्ट, इसको ऐसे लिखते हैं हम,
क्योंकि इंसेक्ट खुद बजाते खुद तो नुकसानदेह नहीं है हमारे लिए, इंसेक्ट ह्यूमन फ्रेंडली इंसेक्ट्स भी मौजूद हैं जो इंसान की बेहतरी के लिए, इंसान के साथ मिलकर पौधों की बेहतरी के लिए फील्ड में काम करते हैं, ठीक है ना, ह्यूमन फ्रेंडली इंसेक्ट्स आर देयर। लेकिन इंसेक्ट पेस्ट की जब डेफिनेशन आपको बताएंगे तो इंसेक्ट पेस्ट आर दोज इंसेक्ट्स विच आर हार्मफुल फॉर योर क्रॉप, विच विल कॉज डैमेज टू योर क्रॉप, तो वो पेस्ट, वो उनको पेस्ट कहेंगे। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब हम इंसेक्ट पेस्ट की बात कर रहे हैं तो पहला है इसमें सिट्रस कैंकर। सबसे पहले डिजीजेज की बात कर रहे हैं, डिजीजेज में पहली डिजीज है सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर सिट्रस की एक बड़ी अहम बीमारी है, अक्सर किन्नू के और ये मौसम्बी माल्टे के अंदर आप पत्तों पे इस तरह के स्पॉट्स देखेंगे, ठीक है। ये स्पॉट्स जो होते हैं, ये सबसे पहली तो बात ये कि सिट्रस कैंकर है क्या, इसका कादल ऑर्गेनिज्म क्या है, ज़ैंथोमोनास कॉम्पेस्ट्रस पीवी सिट्री, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका साइंटिफिक नेम है, ये आपने याद करना है, ये सिट्रस का साइंटिफिक नेम नहीं है, ये बैक्टीरिया का साइंटिफिक नेम है जो इसको काज करता है। अच्छा, ये एक बैक्टीरिया की वजह से होती है जी। अच्छा, ये बैक्टीरिया कहाँ पे अटैक करता है, ये जनाब पत्तों पे अटैक करता है, ब्रांचेस पे करता है, फ्रूट पे करता है। और ये बैक्टीरिया कैसे ट्रैवल करता है, ये हवा के ज़रिए उड़ के भी आ जाता है, और बाज़ दफ़ा इंसेक्ट्स जो आपके उसके ऊपर आके बैठते हैं पत्तों पर रस चूसने के लिए या वैसे, वो भी इसको इन्फेक्ट करते हैं, ये भी इसको लेकर आते हैं। अच्छा, ये आमतौर पर अटैक किसको करता है, इमर्जिंग यंग लीव्स को अटैक करता है ज़्यादातर, ये जो फ्रेश ग्रोथ होती है, न्यू ग्रोथ होती है, इसको ज़्यादा अटैक करता है। इसमें स्टार्टिंग में क्या होता है, स्मॉल येलो स्पॉट्स डिवेलप, सबसे पहले पीले पीले छोटे छोटे ना, ये देखें इधर नीचे, ये देखें इधर, ये छोटे छोटे पीले पीले आपको स्पॉट्स नज़र आ रहे होंगे, ये छोटे छोटे पहले पीले पीले स्पॉट्स बनते हैं इसके ऊपर। उसके बाद फिर क्या होता है, ये जो है ना साइज़ में बढ़ने शुरू हो जाते हैं, स्पॉट्स का साइज़ बढ़ जाता है और इनकी तादाद में भी इजाफा हो जाता है। देन दे टर्न हार्ड एंड ब्राउन, उसके बाद ये ब्राउन हो जाते हैं और ये सख्त हो जाते हैं, जिस तरह खरिंड नहीं आ जाता इस तरह हो जाते हैं। एंड बिकम रेज्ड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द टिश्यू, और ये टिश्यू जो पत्ता है उसकी सतह के ऊपर उभर के बाहर आ जाते हैं, उभरे हुए हो जाते हैं। द डिजीज एरियाज डाई, अंदर वह जो जिस एरिया के ऊपर ये स्पॉट्स बनते हैं वो मर जाता है एरिया, समटाइम्स वो इतना ज़्यादा मर जाता है कि इट विल ड्रॉप आउट, वो उसमें से निकल के बाहर गिर जाती है टुकड़ी, अंदर सुराख हो जाएगा पत्ते के, लीविंग होल्स इन द लीव्स, पत्तों में सुराख हो जाएंगे। सिमिलर डिजीज अपीयर ऑन ट्विग्स एंड फ्रूट्स, इस पर भी आती है, फ्रूट ड्रॉप इज कॉमन, फल जो है सबसे ज़्यादा गिरेगा इसमें। कागजी लाइम एक वैरायटी है, इज मोस्ट ससेप्टिबल कल्टीवार, तो ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि कागजी लाइम इज ससेप्टिबल टू डैश सिट्रस कैंकर, आप लिखेंगे उसमें। द डिजीज रेंडर्स या मेक्स द फ्रूट अनफिट फॉर मार्केटिंग, जो फल इसमें बच जाते हैं वो मार्केट के काबिल नहीं रहते, लोग इसको चुनना पसंद नहीं करते ना। मतलब आपको मैं कहूँ यार ये बाजार से किन्नू लेने जाओ, आप कहेंगे ये कैसा किन्नू है, गंदा सा स्पॉट स्पॉट वाला, मैंने नहीं ये लेना, तो वो अनफिट हो जाता है मार्केट के लिए, वो लोग उसको लेना पसंद नहीं करते, ठीक है। तो इसमें ये अदर ससेप्टेबल कल्टीवार्स आर ग्रे फ्रूट एंड लेमन, लेमन और इसमें भी ज़्यादा आती है, स्वीट लेमन स्वीट ऑरेंज आर लेस ससेप्टेबल, इनमें ये बीमारी कम आती है, ठीक है, इन दो कल्टीवार्स में। अच्छा, इसको ख़त्म कैसे करना है, इसको ख़त्म करने के लिए वो कहता है नंबर वन हेल्दी नर्सरी प्लांट, अच्छे पौधे लगाएं, नर्सरी से ऐसे पौधे लें जो हेल्दी हों, उसमें ये बीमारी पहले ना हो। अगर आपके नर्सरी से लिए हुए पौधों में बीमारी है तो फिर तो आप बच ही नहीं सकते उससे, ठीक है। प्रून अवे सीवियरली अटैक्ड पार्ट्स ऑफ प्लांट, ऐसे पौधे के शाखों को काट दें जिसके ऊपर कोई अटैक हुआ हो, कोई बीमारी आई हो पहले से, ठीक है। और तीसरा है स्प्रे बोर्डक्स मिक्सचर, ये बोर्डक्स मिक्सचर बड़ा इस्तेमाल होगा ड्यूरिंग स्प्रिंग के सीज़न में। बोर्डक्स मिक्सचर क्या होता है, ये एक मीडिया है, ये मैंने आपके खाने के लिए इसकी छोटी सी एक रेसिपी यहाँ पे लिख दी है। इसमें एक्चुअली हम चूना कैल्शियम कार्बोनेट और कॉपर सल्फेट इन दोनों को पानी में मिक्स करते हैं, ये मैंने उसकी एक छोटी सी रेसिपी लिखी है, इसको आपने पढ़ना है, इसको याद भी करना है, ठीक है। तो ये एक पेस्ट इसकी बना लेते हैं, ये फंजीसाइड के लिए एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ का हमल होता है और बहुत सारी बीमारियाँ बोर्डक्स मिक्सचर से दूर हो जाती हैं, तो इसलिए इसको इसके पास स्प्रे कर देते हैं पौधे के ऊपर, ठीक हो गया। तो ये हमारा सिट्रस कैंकर क्लियर हो गया। नेक्स्ट वी हैव सिट्रस विदर टिप, विदर टिप का मतलब है, विदर कहते हैं मुरझाने को और टिप कहते हैं शाख को। तो बेसिकली इसमें होता ही है कि जो उसकी शाखें होती है ना पौधे की, वो ऊपर से टिप की तरफ से नीचे को ऐसे मरनी शुरू हो जाती हैं। आप जाते हैं अपने बाग में, आप देखते हैं कि शाखें जो है ना ऐसे, ये नीचे से हरी है, ऊपर से ब्राउन होती 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 डेली जो है आप आते हैं तो ये ब्राउन नीचे को ऐसे बढ़ती चली जा रही है, दिस इज कॉल्ड विदर टिप, ऊपर से नीचे को मुरझा रही है। अच्छा, ये किस लिए होती है, इसकी सही काजल ऑर्गेनिज्म इसका ये है, द पैथोजन अटैक्स एरियल पार्ट, ये हवा में अटैक करता है, जितने भी पार्ट्स हैं उसमें ब्रांचेज आ जाती हैं, लीव्स आ जाती हैं, इवन इन सीवियर केसेस फ्रूट को भी अटैक करता है। अच्छा, विदरिंग ऑफ ब्रांचेज फ्रॉम टिप टू वर्ड बेस इज मोस्ट करेक्टरिस्टिक सिम्टम, ऊपर से नीचे को ये मुरझानी शुरू करेंगी। डिजीज
ट्विग्स टर्न सिल्वरी ग्रे, इनके ऊपर इस तरह ये ग्रे सी सिल्वर सी ना, ये मैंने ये तस्वीर इसलिए लगाई थी कि ये फ्रूट जो है ना ये ऐसे मुरझा गया है और इसके ऊपर ये एक सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, फंगस आ गई है और उसने ये स्पोर्स हैं फंगस के, ठीक है। तो ये इसकी ये बीमारी सिर्फ इसलिए नुकसानदेह नहीं है कि ये जनाब मार रही है पौधे को, बल्कि इसकी वजह से और बीमारियों का भी हमला होता है। तो यहाँ पर वो सिल्वरी ग्रे जो है ना कहता है इसमें आ जाती है, ये उसकी शाखों के ऊपर सिल्वरी ग्रे अपीयरेंस आ जाती है और द लीफ फॉल इज कॉमन, इसमें पत्ते बहुत ज़्यादा झड़ते हैं और सीवियर अटैक द ट्रीज आर किल्ड, अगर बहुत ज़्यादा अटैक हो और आप इसका ध्यान ना रखें तो ये सारी शाखें जो ऐसे मुरझा के मर जाएगा पौधा। द पैथोजन अटैक ओनली वीक प्लांट्स, ये आमतौर पर कमज़ोर पौधों पर आती है। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, आप ग्रोथ कंडीशंस को अच्छा कीजिए, उसको अपने ऑर्चर्ड के अंदर खाद शाद का ध्यान रखें, उसको प्रॉपरली फंजीसाइड स्प्रे करें, खास तौर पे कॉपर बेस्ड फंजीसाइड्स, ठीक है। कॉपर बेस्ड की एग्जाम्पल में ये ऊपर से बोर्डक्स मिक्सचर भी आ जाता है, ये भी इसमें शामिल है, तो कॉपर बेस्ड फंजीसाइड स्प्रे करें। इसी तरह सिट्रस विदर टिप हो गई। यहाँ तक हमारी बीमारियाँ कम्प्लीट हो गई। आखिर में दो इंसेक्ट्स हैं जो पढ़ने हैं, वन इज कॉल्ड सिट्रस सिला। मोहम्मद इब्राहिम बेटा आपका माइक्रोफोन काइंडली ऑफ कर दें, अपने बच्चों के कुछ के माइक्रोफोन ऑन है। हमाद अहमद आपका माइक्रोफोन ऑन है बेटा, चलो उसको याद नहीं मैंने कर दिया। सिट्रस सिला, सिट्रस सिला बेटा एक और ये भी इंसेक्ट है, और ये देखें इंसेक्ट कैसे पता चला, इसकी छह टांगे हैं, दो आगे हैं, एक ये और एक इसके पीछे छुपी हुई है, दो उसके पीछे हैं और दो उसके पीछे है, टोटल सिक्स पेयर्स ऑफ लेग्स हैं, और इस तरह इसके छः ही तीन ही इसके बॉडी पार्ट्स होंगे, हेड आगे है, फिर सेंट्रल हिस्सा थोरेक्स है और फिर पीछे एक लंबी सारी अब्डोमेन होगी, उसके जो है ना वो कह लें कि विंग्स हैं। दिस वेरी डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट, बल्कि इंसेक्टेस्ट कहना चाहिए यहाँ पर। फ्रीक्वेंटली फाउंड इन सिट्रस ऑर्चर्ड, ये ऑर्चर्ड में बड़ा पाया जाता है। द अडल्ट इज ब्राउन, ये इसका जो अडल्ट होता है मेच्योर जवान होता है वो ब्राउन कलर का होता है विद ब्लैक एंटीना, इसके जो एंटीना होते हैं वो काले रंग के होते हैं एट द एपेक्स, इसके सर के ऊपर, ये देखें इधर, ये इसके एंटीना है, उसके ऊपर ये काले रंग का आपको डॉट नज़र आ रहा है, ठीक है। इट इज़ अ सकिंग इंसेक्ट, ये जो है ना उसका जूस पीता है पत्ते का, उसके अंदर सुराख करके इसकी ज़ुबान जो होती है वो उसको पंक्चर करती है पत्ते को, उसके अंदर से जूस पीता है। और ये मैंने एक तस्वीर लगाई थी कि ये जब ऐसे जूस पीता है ना तो ये ऐसे वहाँ पे उभार बन जाते हैं, ये पत्ता ऐसे ख़राब हो जाता है वहाँ से। अटैक्स द ट्री ड्यूरिंग एंड आफ्टर ब्लूमिंग, ये अटैक करता है। द फ्रेश ग्रोथ इंपॉर्टेंट फॉर फ्रूटिंग इज इट्स मेन टारगेट, ये आमतौर पर फ्रेश ग्रोथ को टारगेट करता है क्योंकि वो इससे आसानी से पंक्चर की जा सकती है, वो नाजुक होती है ग्रोथ, इसलिए। इन्फेस्टेशन इज कंट्रोल्ड बाय प्री ब्लूम प्रोफाइलिटिक, इसको छोड़ दें प्रोफाइलिटिक, एम उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए लफ्ज़ लिख दिया डिजीज़ प्रिवेंशन के लिए। इन्फेक्शन इज कंट्रोल्ड बाय प्री ब्लूम स्प्रे ऑफ इंसेक्टिसाइड ड्यूरिंग जनवरी फरवरी, इस इंसेक्ट के आने से पहले पहले पौधे के ऊपर स्प्रे कर दें तो ये इंसेक्ट यहाँ पर नहीं आएगा, उसने ये बात यहाँ पर ये बताई है। तो जनवरी फरवरी में वो स्प्रे कर देते हैं किसी भी इंसेक्टिसाइड का जो इसको कंट्रोल करे, ठीक हो गया। और आखिरी जो हमने पढ़ना है डेट इज सिट्रस लीफ माइनर। लीफ माइनर क्या है, इट इज़ अ स्मॉल सिल्वरी वाइट इंसेक्ट, ये एक छोटा सा बहुत छोटा इंसेक्ट है सिल्वरी वाइट, मैंने इसकी तस्वीर यहाँ पर नहीं लगाई लेकिन मैंने सिम्टम्स लगाई हैं, ये अक्सर आ जाता है पौधों में। विद ब्लैक आईज एंड विंग्स फ्रिंज्ड विद हेयर्स, इसके जो आंखें हैं वो काले रंग की होती हैं और जो इसके पर होते हैं उसके ऊपर बाल होते हैं छोटे छोटे। द लार्वा मेक्स सिल्वरी वाइट गैलरीज ऑन द यंग लीव्स एंड टेंडर शूट्स, इसका जो इमेच्योर स्टेज होती है ना, जब ये बेसिकली ये इंसेक्ट आता है आके इस पत्ते के ऊपर बैठ के अंडा दे जाता है, और वो अंडा जो है ना वो इस वो जब उससे लार्वा निकलता है तो वो इस पत्ते को खाना शुरू करता है, और वो जहाँ जहाँ से इसको खाता जाता है वो इस तरह उसके अंदर गैलरी बनाता जाता है। ये एक बारीक लेयर पत्ते के ऊपर जो एपिडर्मस की होती है उसके नीचे पत्ते के बिल्कुल सेंटर में ये ऐसे गैलरी बना देता है, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं लीफ माइनर, माइन तो आप सबको समझते हैं उसको, तो ये पत्तों में ऐसे माइंस बनाता है। अच्छा, इन्फेस्टेड लीव्स कर्ल अप, इससे जो पत्ते होंगे वो ऊपर को ऐसे मुरझा जाएंगे, ऊपर को कर्ल कर जाएंगे, एंड फाइनली विदर एंड ड्राई अप, और ज़्यादा अगर खा जाए तो फिर क्या होगा, ये बिल्कुल मुरझा जाएंगे, पीले हो जाएंगे, सफ़ेद हो जाएंगे पत्ते। यंग नर्सरी प्लांट्स सफ़र द मोस्ट, जो नई ग्रोथ होती है, नए पौधे होते हैं, यंग प्लांट्स वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं इससे। और ऑल्दो फुली ग्रोन ट्रीज आर नॉट इम्यून, लेकिन कहता ये नहीं है कि ये दरख्तों को नहीं खाता, दरख्तों को भी खा जाता है ये इंसेक्ट। स्प्रेइंग विद इंसेक्टिसाइड ड्यूरिंग लीफ इमरजेंस एंड प्रूनिंग एंड बर्निंग ऑफ इन्फेक्टेड अफेक्टेड ट्विग्स इन दिसंबर आर इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग द लीफ माइनर, ये उसके कंट्रोल मेजर्स दिए हुए हैं, मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ ताकि आपको याद रहें।
सिट्रस हेजिस शुड बी अवॉइडेड इन ऑर्चर्ड। वो कहता है जो दरख्त है ना करीब करीब नहीं लगाने चाहिए, नहीं तो ये फिर उसके अंदर छुप जाता है और उसके ऊपर स्प्रे का असर नहीं होता। तो यहाँ तक हमारी ये आज की लेक्चर था और हमने सिट्रस को कर लिया। अगर किसी किस्म का सवाल पूछना चाहते हैं तो अब आप माइक्रोफोन ऑन करके या हैंड रेज की कमांड ऑन करके पूछ सकते हैं। जी